वास्तव में ये जो विधि है वह
सीडी के माध्यम से जो बजट अनुमान तैयार किए जाते हैं वो वास्तव में वास्तविकता के सटीक निकट माने जाते हैं। यह विधि बजट पूर्वानुमान के संदर्भ में हमें कई प्रकार की जानकारी देती है। पहला है यह विधि बाजार उपभोक्ताओं की वस्तु स्थिति की जानकारी देती है कि एक उपभोक्ता क्या चाहता है, उसकी प्रोडक्ट की उपभोक्ता किस प्रकार डिमांड करता है, इस बात की जानकारी इस विधि में हमें यह प्राप्त हो सकती है। दूसरा आता है यह विधि बड़े व्यवसायों के लिए उपयुक्त है और यह विधि सांख्यिकी सूचना पर आधारित है और इस विधि में हम विभिन्न प्रकार के अनुमानों का प्रयोग करते हैं, परंतु यह विधि अधिक खर्चीली है और इस विधि से हमें कई प्रकार के क्या है वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त नहीं होती। अन्य विधियां व्यवसाय बजट पूर्वानुमान के लिए अन्य विधियों में निम्नलिखित विधियां होती हैं। पहला व्यवसाय मापक यंत्र, एक व्यवसाय के जो उपलब्धियां हैं उनके मापक तैयार किए जाते हैं। उन मापक यंत्रों के आधार पर हम एक व्यवसाय की बजट पूर्वानुमान तैयार कर सकते हैं। यह विधि पुराने व्यवसाय को बड़े व्यवसाय के लिए उपयुक्त मानी जा सकती है। दूसरी है बाह्य गणना, यह एक सांख्यिकी विधि है। इसमें हम सांख्यिकी सूचनाओं के आधार पर अंतर्गणन और बाह्य गणन के आधार पर बजट पूर्वानुमान तैयार कर सकते हैं। वास्तव में यह विधि भी बजट पूर्वानुमान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकती है। अगला है काल श्रेणी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर बजट पूर्वानुमान तैयार कर सकते हैं। यह वास्तव में एक परिसूचक है, इसके द्वारा एक व्यवसाय बजट पूर्वानुमान आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो पहला मुद्दा है कि व्यवसाय को आपको अलग अलग पैरामीटर तय किए जाते हैं, आंतरिक बाह्य गणन के आधार पर विश्लेषण कर सकते हैं। समय के आधार पर कर्मचारियों से राय सलाह दी जाती है तो वो कर्मचारियों के
इन